लॉकडाउन 4 में राज्य सरकार लगातार छूट का दायरा बढ़ा रही है। प्रदेश में अब शिक्षण संस्थाओं और मॉल्स में कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों को आने की अनुमति नहीं है। वहीं मॉल्स में कार्यालयों को छोड़कर दुकानें खोलने पर पूरी तरह पाबंदी है। छूट का दायरा बढ़ाने के बाद जहां शिक्षण संस्थाओं में कर्मचारियों की आवाजाही देखी गई तो वहीं मॉल्स सूने नजर आ रहे हैं। मॉल्स में कुछ कार्यालय ही खुले नजर आए हैं। लॉकडाउन 4 जारी है और इस दौरान अब कहीं ना कहीं छूट का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। गहलोत सरकार ने एक आदेश जारी करके अब जो मॉल्स है वहां पर कार्यालयों को खोलने की अनुमति दी है। हालांकि जो मॉल्स है वहां पर दुकानें नहीं खुलेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं गणपति प्लाजा के बाहर, जहां का नजारा हम दिखाएंगे। जैसे ही सरकार ने आदेश जारी किया उसके बाद में कुछ जो ऑफिसेज हैं उनको यहां पर खोला गया है, वो अपने ऑफिस खोले हैं, क्योंकि पहले ये रोक थी, जो बाहर की दुकानें थी उन्हीं को खोलने की अनुमति है फिलहाल। और जो मॉल्स के अंदर शॉप है वो नहीं खोल सकते, सिर्फ मॉल्स के अंदर जो ऑफिसेज हैं उनको खोलने की परमिशन दी गई है। उसके बाद में कुछ ऑफिस आज यहाँ पर खुले हैं। इससे पहले पूरा ये प्लाजा, ये मॉल बंद पड़ा था, यहाँ पर कोई भी शॉप कोई भी ऑफिस नहीं खुल रहा था। लेकिन ये जो आदेश जारी किया है, ये जो छूट का दायरा बढ़ाया, उसके बाद में यहाँ पर कुछ ऑफिसेज खुले हैं, बाकी पूरी तरह से दुकानें बंद है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी भी इस मॉल में सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं जो पूरी तरह से बंद पड़ी है। लेकिन जो आदेश जारी किया है, जो छूट दी गई है, उसके बाद में कुछ लोगों ने अपना ऑफिस खोला है। हालांकि अभी भी लोगों ने इतनी तादाद में ऑफिस नहीं खोले हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये देर रात आदेश जारी हुए थे, उसके बाद में कुछ लोग आज यहाँ पर अपने ऑफिस खोले, बाकी पूरी तरह से ये दुकानें बंद पड़ी है। कहीं ना कहीं अब जनजीवन को पूरी तरह से सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है और जो छूट है वो लगातार दी जा रही है। देर रात सीएम अशोक गहलोत ने जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं और जो मॉल्स हैं उनमें सिर्फ ऑफिस खोलने की अनुमति दी है, बाकी पूरी तरह से जो दुकानें हैं उनको अभी तक कोई अनुमति नहीं मिली है। हालांकि कोशिश लगातार यही है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे रियायत दी जाए और सभी लोग अपने रोजगार की तरफ बढ़े, क्योंकि करीब 2 महीने को होने आए लोग अपने रोजगार उनके ठप पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार का प्रयास है, जो गाइडलाइन है, उसमें रोजगार को ध्यान में रखते हुए छूट का दायरा बढ़ाया जा रहा है। यही देखते हुए आज ऑफिस को यहाँ पर अनुमति दी है, कुछ लोग खोल रहे हैं और कुछ लोग अब धीरे धीरे अपने कार्यालय इन मॉल्स में खोलेंगे। और देखना यह है कि कब तक मॉल्स में इन दुकानों को खोलने की अनुमति मिलती है। फिलहाल मॉल्स के अंदर दुकानें नहीं खुलेगी और लोग जो ऑफिस यहाँ खोलकर अपना कामकाज करते थे वो अब मॉल्स के अंदर अपना ऑफिस खोलकर अपना काम कर सकेंगे। कैमरा पर्सन नेमी के साथ पिंटू सिंह मेरुका, एवं टीवी जयपुर।